हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आरएएस एकेडमी में। दोस्तों, पूरे भारतवर्ष में जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित होती है उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पॉलिटिकल साइंस के टॉपिक वाइज टॉप इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की गई थी, जिसमें राजनीति विज्ञान में दोस्तों अपने 20 टॉपिक हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना 21वां नंबर का टॉपिक है और वो दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। दोस्तों, टॉपिक का नाम है संसदीय समितियाँ। तो दोस्तों, संसद में कौन कौन सी समिति बनी थी, कौन कौन से उसमें सदस्य थे और क्या क्या वो कार्य करती थी, तो दोस्तों आज मैं आपके लिए संसदीय समितियों से संबंधित टॉप 50 प्रश्न लेके आया हूँ, जो आपकी प्रतियोगी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर आपने पिछली 20 टॉपिक यानी कि 20 क्लासें हैं वो अलग अलग टॉपिकों की है, अगर आपने उन क्लासों को नहीं देखा है तो दोस्तों आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको फोल्डर मिल जाएगा पॉलिटिकल साइंस टॉपिक वाइज क्वेश्चन के नाम से, तो आप वहां जाके सारी की सारी क्लासें हैं वो जरूर देखें। तो दोस्तों, आराध्या आरएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना इसमें पहला प्रश्न। देखिए, पहला प्रश्न आता है, भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत कब हुई। भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत कब हुई, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए दोस्तों। तो दोस्तों 1991 ईस्वी में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत हुई थी। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सेकंड नंबर का प्रश्न है, भारत में संसदीय समितियां प्रणाली की शुरुआत निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर किया गया था। देखिए, भारत में नई संसदीय प्रणाली की शुरुआत तो 1991 में हुई थी, लेकिन दोस्तों अब अपने को यह बताना है कि इस प्रणाली की जो शुरुआत है वो किसकी सिफारिश पर की गई थी। तो दोस्तों ये की गई थी संसद की नियम समिति के सिफारिश के आधार पर दोस्तों ये संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत की गई। तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें संसदीय समिति प्रणाली के तहत 12 अप्रैल 1993 से कितने समितियों ने कार्य करना शुरू किया। यानी कि दोस्तों संसदीय प्रणाली समिति के तहत 12 अप्रैल 1993 ईस्वी से कितनी समितियों ने कार्य करना शुरू किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 17 समितियों ने कार्य करना प्रारंभ किया। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, चार नंबर का प्रश्न है, संसद की कितने प्रकार की समितियां होती है। संसद की कितने प्रकार की समितियां होती है, तो वो होती है दोस्तों स्थायी समिति और तदर्थ समिति। ये दो प्रकार की दोस्तों समिति होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर का ऑप्शन, उपरोक्त दोनों। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन स्थायी समिति है। यहाँ पे पूछा गया है कि मैंने अभी आपको बताया था दोस्तों दो समितियां होती है, एक तो तदर्थ और एक स्थायी। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा गया है कि स्थायी समिति में कौन कौन सी समितियां आती है। चार ऑप्शन दोस्तों आपके सामने हैं, तो देखिए प्राकलन समिति, लोक लेखा समिति और नियम समिति। ये तीनों समितियां हैं, ये दोस्तों स्थायी समिति है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन, उपरोक्त सभी। आगे देखिए, सिक्स नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन तदर्थ समिति है। तो कौन तदर्थ समिति है, तो यहां पे देखिए तदर्थ समिति के बारे में पूछा गया कि कौन सी तदर्थ समिति है, तो वो है प्रवर समिति। प्रवर समिति है ये दोस्तों तदर्थ समिति है, बाकी याचिका समिति, विशेषाधिकार समिति और आवास समिति ये स्थायी समिति है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रवर समिति है, ये तदर्थ समिति है, तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सात नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए किस समिति को स्थायी मितव्यता समिति भी कहा जाता है। किस समिति को स्थायी मितव्यता समिति भी कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों प्राकलन समिति को स्थायी मितव्यता समिति भी कहा जाता है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, इसमें आठ नंबर का प्रश्न है, प्राकलन समिति में कितने सदस्य होते हैं। तो देखिए प्राकलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं, ये अपने को बताना है। तो यहाँ पे देखिए नौवे नंबर के प्रश्न में देखिए क्या दिख रहा है आपको, 30 सदस्यीय प्राकलन समिति। ठीक है,
कितने सदस्य? 30 सदस्य। तो यहाँ पे आठवें नंबर के प्रश्न में क्या पूछा गया है कि प्राकलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो दोस्तों 30 सदस्य होते हैं, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों ये प्रश्न है, ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है पॉलिटिकल साइंस के अंदर, ठीक है। और ये जो सभी प्रश्न मैं आपको करवा रहा हूँ, ये दोस्तों पूरे भारतवर्ष में जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित हुई है उनमें ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं, इसलिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं आपके लिए। 30 नंबर का प्रश्न है, सॉरी 9 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए 30 सदस्यीय प्राकलन समिति संसद के किस सदन की समिति है? 30 सदस्यीय प्राकलन समिति संसद के किस सदन की समिति है? तो ये दोस्तों इसमें सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के सदस्य होते हैं। किसके सदस्य होते हैं? लोकसभा के सदस्य होते हैं प्राकलन समिति के अंदर। तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? तो कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? तो मैंने अभी आपको बताया सबसे ज्यादा जो 30 सदस्य हैं वो दोस्तों प्राकलन समिति में है, यानी कि सबसे बड़ी संसदीय समिति कौन सी हो गई? प्राकलन समिति। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए प्राकलन समिति का क्या अर्थ है? प्राकलन समिति का क्या अर्थ है? तो यहाँ पे देखिए, देश की आर्थिक स्थिति पर संसद में आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करना। देश की आर्थिक स्थिति पर संसद में आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करना, ये प्राकलन समिति का दोस्तों अर्थ है एक तो, और दूसरा है संसद के प्राकलनों के प्रस्तुत करने के प्रारूप के विषय पर सिफारिश करना, ये दोस्तों दोनों ही प्राकलन समिति का अर्थ है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों। तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 12 नंबर का प्रश्न है, प्राकलन समिति के सदस्य, अभी मैंने आपको बताया था प्राकलन समिति में 30 सदस्य होते हैं और 30 के 30 हैं वो दोस्तों लोकसभा में से चुने जाते हैं, यानी कि 30 के 30 लोकसभा के सदस्यों में से ही चुने जाते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है बी नंबर का ऑप्शन, लोकसभा के सदस्यों में से ही चुने जाते हैं प्राकलन समिति के सदस्य, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 13 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से वह समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता? तो मैंने अभी आपको बताया प्राकलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं और 30 के 30 है वो लोकसभा के होते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें राज्यसभा का कोई सदस्य है वो शामिल नहीं किया जाता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है लोक लेखा समिति, सॉरी प्राकलन समिति। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्राकलन समिति में कोई भी सदस्य है वो राज्यसभा का नहीं होता, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर। लोकलेखा समिति के अंदर क्या होता है? लोकलेखा समिति के अंदर 15 सदस्य तो दोस्तों लोकसभा में से होते हैं और 7 सदस्य हैं वो राज्यसभा में से होते हैं, ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन, प्राकलन समिति। 14 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से संसद की वह स्थायी समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा के सदस्य शामिल नहीं होते हैं? तो मैंने अभी आपको बताया दोस्तों ये प्राकलन समिति है, ये स्थायी समिति है और इसमें राज्यसभा के सदस्य शामिल नहीं होते। तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, प्राकलन समिति। आगे देखिए 15 नंबर का प्रश्न है, लोक लेखा समिति में कुल सदस्य होते हैं। मैंने अभी आपको बताया था दोस्तों 15 सदस्य तो इसमें लोकसभा के होते हैं, ठीक है, 15 सदस्य लोकसभा के और 7 सदस्य हैं वो दोस्तों राज्यसभा के होते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर कितना हो जाएगा? 15 और 7 कितने होते हैं? 22, यानी कि लोकलेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। आगे देखिए इसमें 16 नंबर का प्रश्न है, लोकलेखा समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के क्रमशः कितने कितने सदस्य होते हैं? मैंने अभी आपको बताया था 15 सदस्य लोकलेखा समिति के लोकसभा में से और 7 सदस्य हैं वो राज्यसभा में से शामिल होते हैं। तो इसका राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 15 और 7। 17 नंबर का प्रश्न है, लोकलेखा समिति के सदस्य दोस्तों संसद के दोनों सदनों में से चुने जाते हैं। मैंने अभी आपको बताया 15 सदस्य लोकसभा, 7 सदस्य राज्यसभा, यानी कि दोनों सदनों से चुने जाते हैं। तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न है, लोकलेखा समिति में देखिए 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से लिए जाते हैं। तो सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों इसमें 19 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए
भारत में संसदीय समितियों में से निम्न में से कौन सी एक विभागीय व्यय और अनियमितताओं पर निगरानी रखने के लिए रखवाले कुत्ते का कार्य करती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। भारत में संसदीय समितियों में से निम्न में से कौन सी एक विभागीय व्यय और अनियमितताओं पर निगरानी रखने के लिए रखवाले कुत्ते के समान कार्य करती है? तो दोस्तों वो समिति कौन सी है, तो वो है लोक लेखा समिति। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 20 नंबर का प्रश्न है, सार्वजनिक लोक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो राज्यसभा के दोस्तों इसमें 7 सदस्य होते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 21 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन समिति कार्य करती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन सी समिति कार्य करती है? तो दोस्तों लोक लेखा समिति कार्य करती है। बी नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 22 नंबर का प्रश्न है, परंपरा के अनुसार निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष पद पर विरोधी दल के संसद सदस्य को नियुक्त किया जाता है? परंपरा के अनुसार निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष पद पर विरोधी दल के संसद सदस्य को नियुक्त किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों इसमें लोक लेखा समिति के। तो इसका राइट आंसर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि विपक्षी दल के सदस्य को दोस्तों इसका अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। ठीक है, तो इसमें ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा लोक लेखा समिति का। 23 नंबर प्रश्न है, किस संसदीय समिति को प्राकलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? किस संसदीय समिति को प्राकलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? तो मैंने अभी आपको बताया प्राकलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं, तो दोस्तों 30 सदस्य, लोक लेखा समिति में 22 सदस्य, और प्राकलन समिति की जुड़वा बहन है वो दोस्तों लोक लेखा समिति को कहा जाता है। तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें 24 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह प्राधिकारी कौन सा है जो भारत की समेकित निधि से राज्यों के राजस्व सहायता अनुदान पर लागू होने वाले सिद्धांतों की सिफारिश करता है? तो दोस्तों वह प्राधिकारी कौन सा है ये अपने को इसमें बताना है, तो वो है लोक लेखा समिति। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, संसद की कौन सी समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्टों की समीक्षा करती है? संसद की कौन सी समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्टों की समीक्षा करती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है इसमें लोक लेखा समिति। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, लोक लेखा समिति। 26 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन विषयगत समिति है? तो कौन विषयगत समिति है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देखिए कृषि समिति, पर्यावरण एवं वन समिति, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समिति। तो ये तीनों समितियां हैं, ये दोस्तों विषयगत समिति है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन, उपरोक्त सभी। आगे देखिए 27 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समिति में लोकसभा के 15 एवं राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं? निम्नलिखित में से किस समिति में लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं? तो दोस्तों मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था लोक लेखा समिति। ठीक है, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका। 28 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समिति का कोई सदस्य कोई मंत्री नहीं हो सकता, यानी कि किस समिति का कोई सदस्य कोई मंत्री नहीं हो सकता? तो देखिए दोस्तों यहाँ पे बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो देखिए प्राकलन समिति, लोक लेखा समिति, सरकारी उपक्रम समिति, इन तीनों समितियों का कोई भी सदस्य है वो मंत्री नहीं हो सकता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए लोकसभा अध्यक्ष किस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है? लोकसभा अध्यक्ष किस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों नियम समिति। ठीक है, नियम समिति का अध्यक्ष है वो दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष होता है। कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष। 30 नंबर का प्रश्न पढ़िए दोस्तों, विधेयकों पर प्रवर समितियों में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी तक हो सकती है? विधेयकों पर प्रवर समितियों में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है?
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कोई निश्चित नहीं है, कोई निश्चित नहीं है, तो इसका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए अनुसूचित जाति और जनजातियों की कल्याण संबंधी समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के क्रमशः कितने सदस्य होते हैं। अनुसूचित जाति और जनजातियों की कल्याण संबंधी समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के क्रमशः कितने सदस्य होते हैं, तो कितने सदस्य होते हैं, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 20। तो इसमें अनुसूचित जाति के, ठीक है, और सॉरी 20 तो इसमें लोकसभा के और 10 है वो राज्यसभा के होते हैं, तो इसका राइट आंसर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है हो जाएगा। आगे देखिए संसद के समितियों के सदस्य दोस्तों अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किए जाते हैं अथवा सदन द्वारा अपने सदस्यों के मध्य से निर्वाचित किए जाते हैं, यानी कि दोस्तों अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किए जाते हैं संसद के समितियों के सदस्य और सदन द्वारा अपने सदस्यों के मध्य से ही निर्वाचित किए जाते हैं, तो डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, संसदीय समितियों के गठन का उद्देश्य है, तो संसदीय समितियों के गठन का उद्देश्य क्या है, तो देखिए विधि निर्माण की प्रक्रिया को तेज करना, तकनीकी और उलझे हुए विधेयकों पर विशेष रूप से विचार करना, तीसरा है संसद के सदनों द्वारा विचार करने के पूर्व विधेयक का परीक्षण करना, तो इसमें तीनों ही सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए संयुक्त संसदीय समिति में कितने सदस्य होते हैं, संयुक्त संसदीय समिति में कितने सदस्य होते हैं, तो दोस्तों 45 सदस्य होते हैं, ठीक है, तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए संयुक्त संसदीय समिति में लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों की संख्या क्रमशः होती है, तो लोकसभा में से दोस्तों 30 और 15 है वो दोस्तों राज्यसभा में से लिए जाते हैं, तो टोटल हो गए कितने 45, तो अपना ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए कुल 17 संसदीय समितियों में से कितने समितियों के अध्यक्ष लोकसभा के सदस्य होते हैं, यहाँ पे देखिए 17 संसदीय समितियों में से कितने समितियों के अध्यक्ष लोकसभा के सदस्य होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें 11 समितियों के अध्यक्ष है वो लोकसभा के सदस्य होते हैं, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए संयुक्त प्रवर समिति में कितने सदस्य होते हैं, संयुक्त प्रवर समिति में कितने सदस्य होते हैं, तो दोस्तों 45 सदस्य होते हैं संयुक्त प्रवर समिति में, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए संयुक्त प्रवर समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों की संख्या क्रमशः कितनी होती है, संयुक्त प्रवर समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों की संख्या क्रमशः कितनी होती है, तो दोस्तों कितनी होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें 30 लोकसभा से और 15 राज्यसभा से, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए निम्न में से कौन समिति विभिन्न विषयों पर चर्चा के लिए समय का निर्धारण करती है, तो कौन सी समिति है वो विभिन्न विषयों पर चर्चा के लिए समय का निर्धारण करती है, तो वो है दोस्तों कार्य सलाहकार समिति, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, तो ये दोस्तों लोकसभा के अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट है वो प्रस्तुत करती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों आगे अब 41 नंबर का प्रश्न है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दे रखा है, दोस्तों अपने को यहाँ पे क्या करना है, सुमेलित करना है, ठीक है। देखिए सूची फर्स्ट में दोस्तों संसदीय समिति है और सूची सेकंड में कार्य है, यानी कि कौन सी समिति का क्या कार्य है वो अपने को बताना है। देखिए प्रवर समिति का कार्य क्या है, तो वो है वित्त की समीक्षा करना, ये दोस्तों प्रवर समिति का कार्य है। और लोक लेखा समिति का कार्य क्या है, तो वो है सरकारी पैसा सही ढंग से खर्च हुआ है या नहीं, इसकी दोस्तों इसकी परीक्षा करना, ठीक है, सरकारी पैसा सही ढंग से खर्च हुआ है या नहीं इसकी परीक्षा करना, ये लोक लेखा समिति का कार्य है। और प्राकलन समिति का कार्य क्या है, तो वो है बजट में विभागीय व्यय की जांच करना,
बजट में विभागीय व्यय की जांच करना, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2-3-1 यानी कि डी नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट है वो किसे सौंपती है, तो वो अपनी रिपोर्ट है वो दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष को सौंपती है, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है, तो दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसमें देखिए निम्न में से कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है इसमें नियंत्रक, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है, इसका जो नियंत्रण है वो संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है, तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, प्राकलन समिति के सदस्य है वो दोस्तों केवल लोकसभा से ही चुने जाते हैं, कितने सदस्य होते हैं प्राकलन समिति में, 30 सदस्य होते हैं, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 45 नंबर प्रश्न है, भारत के महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके लिए एक मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है, भारत के महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके लिए एक मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों लोक लेखा समिति, एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत में संसद की वित्तीय समितियां निम्न में से कौन सी है, तो भारत में संसद की वित्तीय समितियां हैं वो कौन कौन सी है, तो देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो है दोस्तों इसमें देखिए लोक लेखा समिति, प्राकलन समिति और लोक उपक्रम समिति, ये दोस्तों संसद की वित्तीय समितियां हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तीनों ही सही है, तो इसका डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि कौन सा क्वेश्चन था वो, ये रहा, ठीक है, डी नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 47 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन तदर्थ समिति है, तो तदर्थ समिति है वो दोस्तों कौन सी है, तो वो है दोस्तों इसमें प्रवर समिति है, ये तदर्थ समिति है, डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, किस समिति को स्थायी मितव्यता समिति भी कहा जाता है, तो ये कहा जाता है दोस्तों कौन सी समिति को बताइए, तो वो है प्राकलन समिति को दोस्तों स्थायी मितव्यता समिति भी कहा जाता है, ठीक है। आगे देखिए, इसमें प्राकलन समिति में कितने सदस्य होते हैं, तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था 30 सदस्य होते हैं प्राकलन समिति में, ठीक है, तो इसका सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए 50 नंबर प्रश्न है, 30 संसदीय प्राकलन समिति संसद के किस सदन की समिति है, तो वो है लोकसभा की, तो इसमें ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ये दोस्तों मैंने आपको जो प्रश्न करवाए हैं ये पूरे भारतवर्ष में, जो चाहे वो यूपी में लगी हो, चाहे वो बिहार में लगी हो, चाहे वो मध्य प्रदेश में लगी हो, चाहे वो कर्नाटक में लगी हो, चाहे वो कहीं पे भी लगी हो, उन सभी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों अगर आपने पिछली जो 20 क्लासें हैं, जो पॉलिटिकल साइंस के जो 20 चैप्टर हैं, वो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं अभी तक, ठीक है, और आज अपना 21वां नंबर का चैप्टर भी समाप्त हो चुका है। अगर आपने वो चैप्टर नहीं देखे हैं तो दोस्तों आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको फोल्डर मिल जाएगा, पॉलिटिकल साइंस टॉपिक वाइज क्वेश्चन के नाम से वहाँ फोल्डर बना हुआ है, तो आप वहाँ जाके सारी की सारी क्लासें हैं वो जरूर देखिए, और पॉलिटिकल साइंस में दोस्तों आपका एक भी प्रश्न है वो गलत नहीं होगा, अगर आप ये 20 क्लासें हैं वो देख लेते हैं। तो दोस्तों आराध्या आरएएस एकेडमी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।